गोपियाँ आनी जानी है, राधा तो मन की रानी है। सांझ सखारे जमुना किनारे, राधा राधा ही कान्हा पुकारे। So welcome back to my channel, Neha Beauty Hub. So आज मैंने जन्माष्टमी स्पेशल मेकअप लुक क्रिएट किया, आप लोग देखते तो समझ ही गए होंगे। और मैंने यू नो मेरे पास जो कुछ भी था, जो भी ज्वेलरी थी, जो भी मेरे पास जितने प्रोडक्ट्स थे, मैंने उसी से ही ये क्रिएट किया है। सो होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा एंड पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, पूरा मेकअप ट्यूटोरियल मैंने दिया हुआ है। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दुर्गा पूजा भी आने वाला है, फिर काली पूजा भी आने वाला है। सो जैसे जन्माष्टमी के अवसर पे मैंने ये लुक क्रिएट किया है, वैसे मैं दुर्गा पूजा काली पूजा में भी करने वाली हूँ। अभी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं करूँ, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं श्योर करूंगी। सो आपको पता चलना चाहिए ना कि मैंने किया है, सो बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा। बाकी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ब्राउन आईब्रो पेंसिल से, जैसा कि मैं हमेशा करती हूँ, पहले मैंने इसे अच्छे से ड्रॉ कर लिया है। और सारा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ चेक कर लीजिएगा, स्क्रीन में भी मैं दे ही रही हूँ। और अब मैं उसी के ऊपर वेट एंड वाइल्ड की ये आई शेडो यूज़ कर रही हूँ। ये आई शेडो का वर्क करता है, कंट्रोल का वर्क करता है एंड एज अ आईब्रो को ड्रॉ करने के लिए वर्क करता है। सो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। सो यहाँ हो गया है मेरा आईब्रो कम्प्लीट एंड अब इसे मैं साफ करने के लिए एली गर्ल का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। और इसे मैं एज अ कंसीलर भी यूज़ कर रही हूँ अपने आई लिड पर। सो इसे अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर ले रही हूँ। और ब्लेंड करने के बाद प्लीज़ इग्नोर, बाहर की आवाज़ को इग्नोर करें। और इसे अब मैं सेट कर ले रही हूँ फिट मी के कॉम्पैक्ट के साथ। सो ये कलर मैं यूज़ कर रही हूँ इसलिए मैं दिखा रही हूँ। सो यहाँ पर अब मैं क्रीज लाइन में डार्क कलर का यूज़ कर रही हूँ। क्रीज लाइन में ऑलवेज डार्क ही होता है एक्चुअली। सो यहाँ पर मैं डार्क कलर यूज़ कर रही हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पर मैंगो कलर यूज़ कर रही हूँ, जैसा कि मैंने दिखाया था, कलर तो मैंने दिखा दिया था। तो यहाँ पर मैं ये कलर यूज़ कर रही हूँ। अच्छे से फिंगर की हेल्प से मैंने लगा लिया, मुझे फिंगर से आई शेडो लगाना बहुत पसंद है। सो अब उसी के ऊपर मैं गोल्डन कलर का आई शेडो लगा रही हूँ, जो कि थोड़ा शिमरी है। सो यहाँ कंप्लीट होने के बाद मैं अपने ब्रो बोन को थोड़ा सा हाईलाइट कर रही हूँ सिल्वर आई शेडो से। सो ये ब्लू कलर म्यूजिक फ्लावर का ब्लू कलर है। तो मेरे पास कोई कलर वलर नहीं था, सो आप इसे जुगाड़ू तरीका बोल सकते हैं, उससे मैंने मेकअप कर लिया है। सो वो ब्लू कलर ही मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। और मैंने वीडियो में भी बताया कि मेरे पास जो भी था उससे मैंने फुल मेकअप ट्यूटोरियल बनाया है, मैंने कुछ भी अलग से परचेज नहीं किया है। सो ब्लू कलर को मैं अपने पूरे फेस में अच्छे से लगा ले रही हूँ। ब्रश छोटी थी, काफ़ी दिक्कत हो रही थी, तो मुझे फिंगर का यूज़ करना पड़ा। तो मैं यहाँ पर फिंगर से यूज़ कर रही हूँ और काफ़ी अच्छे से लग जा रहा है फिंगर की हेल्प से। काफ़ी टाइम लग गया ये लगाते वक्त, लेकिन ठीक है। एक्चुअली डबल कोट करना पड़ा था मुझे, सो मैंने डबल कोट किया था बाद में। तो इसे मैं अच्छे से ईयर में भी लगा लूँगी एंड नेक में भी लगा लूँगी। और अब मैं हाईलाइट करने के लिए मेबलिन फिट मी की फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, स्टिक फाउंडेशन, जो कि शेड है लाइट। इसे मैं एज अ हाईलाइटर यूज़ कर रही हूँ। सो ये बहुत अच्छा था, फर्स्ट टाइम मैंने यूज़ किया, मैंने बहुत दिन से परचेज करके रखा हुआ था। सो यहाँ पर मैंने यूज़ किया है, बहुत ही अच्छा है ये हाईलाइट, मतलब परफेक्ट ये था कंसीलर और फाउंडेशन, ये बोथ है। सो परफेक्ट था इस लुक के लिए। सो इसे यूज़ करने के बाद तो बहुत ही फ्लॉलेस हो गया था। जो कलर मैंने यूज़ किया था पहले तो फटाफट ऐसा लग रहा था, लेकिन इसे यूज़ करने के बाद काफ़ी अच्छे से यू नो मेकअप अच्छे से बैठ गया। आप लोग देख सकते हो, यू कैन सी कितनी अच्छे से ब्लेंड हो रहा है, काफ़ी अच्छा है ये। अब मैं कंट्रोल करने के लिए कलर बार का कंट्रोल किट यूज़ कर रही हूँ एंड थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि यू नो मुझे तो करना ही पड़ेगा कंट्रोल, आप लोगों को भी करना पड़ेगा। एंड
कंटूर के साथ साथ मैंने देखी है साइड में ब्लू कलर डार्क वैसे ही छोड़ दिया है, और अब मैं पूरे मेकअप को सेट कर रही हूँ जॉनसन बेबी पाउडर से, बिकॉज ये इसमें व्हाइट टोन तो रहता है लेकिन ब्लू के ऊपर उतना कुछ खास वर्क नहीं करता, इसलिए मैंने इसी से अपने मेकअप को सेट कर लिया है। कोई बेकिंग पाउडर वगैरह नहीं यूज़ किया है क्योंकि अच्छे से इससे मेकअप सेट हो जाता है। एक्चुअली मुझे बहुत पसंद है, एवरीडे मैं यही यूज़ करती हूँ, सो इसलिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। और नोज़ को कंट्रोल नहीं किया है मैंने, सिर्फ हाईलाइट किया है जिससे कि कंट्रोल की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। और एन वाई बाई की काजल यूज़ कर रही हूँ आईब्रो को डार्क करने के लिए, ब्लैक करने के लिए। ब्लू कलर है पूरे स्किन में तो ब्लैक करना पड़ेगा, सो कर लिया मैंने यहाँ पर। और अब मैं लाइनर यूज़ कर रही हूँ, लैक्मे के लाइनर यूज़ कर रही हूँ, और बहुत थिक लाइनर मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। और एक आई में ही मैंने लगा के दिखाया है बिकॉज वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाता है, सो क्या ज़रूरत है, इसलिए मैंने एक आई में ही लगा के दिखाया है आपको। सो बहुत ही थिक लाइनर लगा रही हूँ, जैसा कि कान्हा जी लगाते हैं, तो वैसे मैंने लगा लिया। और अब मैं लोअर लैश लाइन में बाद में काम करूँगी, पहले यहाँ मैं लिप का काम कर ले रही हूँ। तो यहाँ पर मैक की लिपस्टिक में लगा रही हूँ रेड, तो यहाँ अच्छे से मैं इसे लगा लूँगी। और इसे लगाने से पहले लिप बम ज़रूर यूज़ करिएगा अगर आप मैट लिपस्टिक लगा रही हैं तो। तो मैंने लिप बम पहले लगाया हुआ था, तो इस यहाँ पर अच्छे से मैंने लिपस्टिक को लगा लिया है। और अब मैं लोअर लैश लाइन का काम स्टार्ट करूँगी, और ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, सिर्फ लाइनर से ड्रॉ कर लूँगी और काजल वगैरह नहीं लगाऊँगी। इससे थोड़ा आईज और बड़ा दिखता है, बहुत अच्छा दिखता है। सो ये लुक के लिए मुझे नहीं लगा कि कुछ यूज़ करने की ज़रूरत है, सो यहाँ पर मेरा लुक हो गया कम्प्लीट। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि मैंने जो कोशिश की है वो उसमें मैं कामयाब हो पाई हूँ कि नहीं। और बाकी आपकी मर्ज़ी, आप शेयर भी कर सकते हैं। और जन्माष्टमी अच्छे से मनाइए, हैप्पी जन्माष्टमी।